हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 4 अप्रैल 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाए। सबसे सेशन चालू करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स एक वेबसाइट बनाए हैं हम लोग, जिस पर आपको जॉब नोटिफिकेशन सारा मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी जॉब हो, किसी भी स्टेट का जॉब है, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का निकला है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा जैसे ही आप क्लिक करोगे। एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, उसी तरह करेंट अफेयर अभी हम लोग प्रोवाइड नहीं किए, करेंट अफेयर जल्दी ही आपको यहाँ पर मिलने चालू हो जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट जॉब, एग्ज़ाम रिजल्ट, एंसर की, कट ऑफ। वीडियो कोर्सेज़ में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, वीडियो कोर्सेज़ में जो हम लोग वहाँ पर आपको चैनल पर राकेश यादव, सर्वेश कुमार वर्मा और किरण का जो भी वीडियो वहाँ पर है, वो सारा धीरे धीरे कर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आकर देख सकते हो, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है। राकेश यादव का ये सारा वीडियो हो गया, उसी तरह सर्वेश कुमार वर्मा का हो गया। ठीक है, क्वांटम कैट का वीडियो हो गया, उसी तरह फिर किरण का भी वीडियो हो गया। तो आप यहाँ से तीनों में से जो देखना चाहो देख सकते हो। और जितना भी वीडियो हम लोग अलग देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वन द मियामी ओपन टेनिस 2019 फॉर द मेन्स सिंगल। मेन्स सिंगल के लिए मियामी ओपन टेनिस 2019 के किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर था रोजर फेडरर, और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए भी हैं। चलिए, अब आज का सेशन चालू करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019। किस देश ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये मलेशिया में किया गया था, और मलेशिया में कौन से सिटी में किया गया था? तो ये यो सिटी में आयोजित हुआ था। साउथ कोरिया जो है, इसका ये थर्ड टाइटल था और ये भारत को हराकर जीता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु सहानी। और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था कि लोक आयुक्त मींस BCCI का लोक आयुक्त ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया था? तो DK जैन उसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इन विच कंट्री डिड रशिया ओपन ए हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर। रूस ने किस देश में एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केंद्र खोला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुला में। आपको पता है कि वेनेजुला में अभी क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर, जैसे कि रशिया एक अलग प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया है और USA एक अलग प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया है, तो वेनेजुला में ही रशिया जो है अपना एक हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेमस राइटर रमनिका गुप्ता डाइड, विच लैंग्वेज सी बिलोंग। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक रमनिका गुप्ता का निधन हुआ, वो किस भाषा की थी, किस भाषा से संबंध रखती थी? तो हिंदी से रखती थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट एरिया ऑफ इंडिया इज द दिमसा डांस ऑर्गेनाइज। दिमसा नृत्य भारत के किस क्षेत्र में आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरुकी घाटी। क्या हो गया करेक्ट आंसर? आरुकी घाटी, आरुकी वैली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद विजिट पेब्लो नेरुडा म्यूजियम विच इज लोकेटेड इन। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद ने पेब्लो नेरुडा संग्रहालय का दौरा किया, जो इनमें से स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चील में स्थित है। तो चिली आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड टू बिल्ड एंड डिलीवर 100 वॉरशिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 100 युद्धपोत बनाने वाला, वितरित करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द एशिया एयर गन चैंपियनशिप हेल्ड इन तपई इन 2019। 2019 में तपई में एशिया एयर गन चैंपियनशिप हेल में भारत ने कितने पदक जीते?
टोटल 25 मेडल जीता, जिसमें 16 गोल्ड मेडल था, ठीक है, 16 पदक क्या थे, स्वर्ण के थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द 260 फुट मैत्री ब्रिज, द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज एट चोलामसार विलेज इन लेह, वाज ओपन टू द पब्लिक ऑन अप्रैल 1, 2019। ऑन विच रिवर द ब्रिज लोकेटेड? तो ये किस पर लोकेटेड है मैत्री ब्रिज? तो ये इंदस रिवर पर लोकेटेड है। तो आपका क्या करेक्ट आंसर हो गया? इंदस रिवर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। विच कंट्री लॉन्च इट्स सेकेंड जनरेशन डाटा रिले सेटेलाइट तियालिनियन 201? ठीक है, किस देश ने अपना सेकेंड जनरेशन डाटा रिले उपग्रह तियालिनियन 201 लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, चीन जो है लॉन्च किया है। कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। कल का सबसे पहला क्वेश्चन था, हु वन द मियामी ओपन टेनिस 2019 फॉर द मेन सिंगल? करेक्ट आंसर था रोजर फेडरर, ए आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ 5G कवरेज? तो डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो संघाई आपका करेक्ट आंसर था उसमें, और वो चाइना के अंदर। यदि देश पूछता तो चाइना करेक्ट आंसर होता, ठीक है, तो हम डायरेक्ट चाइना लिख दिए, चाइना में संघाई है तो संघाई, ठीक है, करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस द वेरिली इनवेल्ड वायलेट पेपर एट ऑल द पोलिंग बूथ? तो देखिए, किस राज्य ने सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल सक्षम वायलेट पेपर पेश किया है? तो मेघालय करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द बैंक ऑफ बड़ौदा बिकम द थर्ड लार्जेस्ट लेंडर ऑफ इंडिया बाई मर्जिंग विथ विच टू बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा किन दो बैंकों के साथ विलय करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? ठीक है, तो विजया बैंक और देना बैंक के साथ ये मर्ज किया है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नेम द एक्ट्रेस इमी गैरी ऑस्कर एंड टॉनी अवार्ड हु विल बी हॉनर्ड विद द कैरियर अचीवमेंट अवार्ड एट 2019 पी बॉडी अवार्ड? तो देखिए, पी बॉडी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, तो ये कौन है? रीता मोरोन करेक्ट आंसर हो गया। पी बॉडी अवार्ड जो होता है ये यूएसए में दिया जाता है और ये टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जुजाना कपटुवा निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी? सोलोविकिया इसका करेक्ट आंसर होगा। और सोलोविका देखिए, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर आप देख सकते हैं, हम आपको रेड कर देते हैं, ये कंट्री हो गया। कैपिटल क्या है इसका? कैपिटल है ब्रिटिश लावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी गेंट हैज लॉन्च इंडिया स्पेसिफिक टूल टू बूस्ट द इलेक्शन एंगेजमेंट? ठीक है, फेसबुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज साइंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद कतार फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी इन द फीफा द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन वर्ल्ड कप 2022 इवेंट? तो फ्रांस जो है वो कतार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है सिक्योरिटी के लिए फीफा वर्ल्ड कप का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2020 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कतार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह कतार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज एनवेल्ड ए ब्लॉकचेन बेस्ड ई मार्केट प्लेस फॉर द कॉफी फार्मर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमर्स मिनिस्ट्री। क्वेश्चन 10 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म? वाई वी रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वेन वॉज द वर्ल्ड इटली डे सेलिब्रेटेड? विश्व इटली दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है तो स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, द अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाई, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य मौर्य के पीरियड में, मौर्य डायनेस्टी में पाए जाते थे, मौर्य डायनेस्टी के मेन हेड के तौर पर ही थे, ठीक है। जब चंद्रगुप्त मौर्य बने थे तो चाणक्य के कारण ही, चाणक्य ही ऐसे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किए थे, उसको ट्रेनिंग दिए थे, उनके मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे ये, और धनानंद को उसके गद्दी से हटाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का रहा है? तो चाणक्य कहीं रहा है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। फ्रॉम विच मोन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपोगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। किस स्मारक से गौतम बुद्धा ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ का स्तूपा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। गौतम बुद्धा का चार काउंसिल हुआ था, वो चारों हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लुम्बिनी में जन्मे थे, ठीक है, कुशीनगर में डेट किए थे, तो ये सारा चीज़ आपको हम ऑलरेडी, जब आप गौतम बुद्धा से रिलेटेड धीरे धीरे करके आपको हम सारा कुछ बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देख लीजिए। वाइल पेंट वॉज फर्स्ट यूज फॉर द बुद्धिज्म बुद्धिस्ट पेंटिंग बाय द इंडियन एंड चाइनीज पेंटर इन द वेस्टर्न डैश समटाइम बिटवीन द 5th and 10th century। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कुछ ही साल पहले अफगानिस्तान में एक बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जिसको तोड़ के ताइवान जो है गिरा दिया था, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जापान पैसा दिया था, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वाज बॉर्न इन, तो चंद्रगुप्त मौर्य कब जन्मे थे? 340 बीसी में जन्मे थे, ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। धनानंद को मारने के बाद मौर्य शासन का, जिसे धनानंद, जैसे ही धनानंद को ये शासन से उतारे और मौर्य डायनेस्टी का स्थापना भी किए ये। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। हु बिल्ड द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट द महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया? तो पलवा किंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं जिसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच कंट्री वन द सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019, किस देश ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता? चार ऑप्शन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या साउथ कोरिया। और कहां पर आयोजित हुआ था ये भी आप कमेंट सेशन में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।